सरकार ने अपने लोगों में जरूर एक शेर उनका अब इसमें हर तो मुझे ही आता गया कि होशियार तो लेते नहीं कुरान से तब होशियार तो लेते नहीं कुरान से तब बेहोश का कुरान की हवा देते ये मतलब था पुरानी मनी तो ये किए कुरान रोजे में अमर दरगाह इलाही में शिकवा करेगा दूसरे वो मस्जिद जो घरों के आसपास मस्जिद है मगर लोग घरों में नमाज पढ़ रहे थे और मस्जिद को वीरान कर रखा है तो वो मस्जिद दरगाह इलाही में शिकवा करेगी और तीसरे वो आलिम दीन जो किसी शहर में किसी बस्ती में किसी मोहल्ले में मौजूद है लेकिन लोग उससे आके मसाइले दीनिया नहीं पूछते जैसे कुरान के बड़े मसलक हो गए हैं वैसे आलिम दीन के भी मसलक मुझे मालूम है। सबसे बड़ा मसलक यह है कि जुल्मत को जाके इस्तखारा भी करवा दिया ये गया आलिम दीन का मतलब है और माशाल्लाह अपनी भी तकलीफ हुई तो आलिम दीन को बुला लिया के दुआ पढ़ लीजिए और मजबूरन अगर नमाज जनाजा हुई तो आलिम दीन को बुला लिया कि नमाज पढ़ लीजिए और माशाल्लाह तकलीफ और हुई तो बुला लिया कि निकाह पढ़ लीजिए मगर क्या आलिम दीन के बगैर किए थे आलिम ये सब मतलब का मतलब तो ये है कि मदायरे दीनिया दिया मगर माशाल्लाह इनके तो तक कोई इनमें लजू नहीं है दीन की अहमियत हो तो मसाइले दीनिया याद है लिहाजा इनको कभी जरूरत ही नहीं होती कि कोई मसला आके आलिम से दरियाफ्त करे और माशाल्लाह दत्ता उलमा के अपराध मुझे माफ करे लेकिन उनको जरूरत ही जाती माँ है और जब लोग मसाइल पूछते ही नहीं तो उलमा को मसाइल याद क्यों है जरूरत ही नहीं पड़ती मसले बताने की तो वो बताए खुद इन्हीं वक्तों पे नजर तो नतीजा ये हुआ कि न आलिम सहीमानी का आलिम रहा मगर आलिम दीन है इस लायक है कि उससे निकाह पवाया जाए इस लायक है कि उससे इस्तखारा कराया जाए तो ये सब हो गया तो जब आलिम दीन बैठे होगा शिकवा करेगा कि हमसे दुनिया ने फायदा नहीं उठाया तो वो जो अकेले उलमा थे वो जो अकेले पेशवा है दीन से उन पर जुल्म करने वाले क्या वही है जिन्होंने जिस्मानी तकलीफ पहुंचाया बपदा जो उनसे सही फायदा नहीं उठा रहे हैं वो उनके नुकता नजर से गौर गौर डाले उनके तो उनसे सही फायदा नहीं होता ये रास्ता दिखाने के लिए हमारे क्या क्या चीजें कर जाती दरवाजा का पूरा जवाब शरीयत इस्लाम की बका के लिए ये शरीयत इस्लाम की बका के लिए घर का रात करा दिया जिस शरीयत इस्लाम की बका के लिए जिगर के टुकड़े नजरें और सुना कर दिए उस शरीयत इस्लाम को हम अपने अमल से पामाल करें तो वो हमें अपना शरीर अदा समझते बदले अदा आज कर नवी कार्य मनोरंजन वो सब भी मौला का हाल था कौन कह सकता है कि कासिम का हाल हुसैन का हाल न था कौन कह सकता है कि अली अकबर का हाल वो मौला के जिंदगी का अहवाल नहीं था क्या अली अकबर का हाल वो मौला के हाल का कोई जुल न था क्या बात का हाल वो ईमान के हाल का नहीं था अरे ईमान से मुताल्लिक न होता तो कमर का काम ये क्या कमर खाना के लिए और कहा अरे मौलाई ने तो कमर खाना क्या राम इनका दर अदा की आज अब इस
लॉट मेरी कमर चिकटता हो अली अकबर की आवाज है तो आपने देखा कि बताया हुसैन का हाल नहीं है तो कितना और अल्लाह भी होता अली अकबर का हाल एक दिन तो बयान कर मगर माशा अल्लाह आप हमारे आजमीन के पाबंद हैं तो हमारे आजमीन का एक तरीका है जिसमें सात दफा कदम आगे बढ़ाते हैं सात दफा कदम पीछे हटाते हैं तो जवान पर होता है इतना लिखा है वह इतना ले जा रहे हूँ तरीका सिखाया हुआ तो मासूमीन का है मगर ये तौजीह उसकी उलमा ने की है कि उलमा ने गौर किया कि आखिर ये क्या है तो पता ये चला कि ये कमल हुसैन की ये थे छवि है मतलब ये आपकी बताए समझिए शुरू हो रहे हैं छवि है वो कमल हुसैन वो कौन मौका है पूरी तारीख है करबला में मुझे कोई वक्त ऐसा नजर नहीं आता जिसमें मौला को तरक्तर हुआ देखिए रम और चीज है रंज और चीज है तकलीफ और चीज है अजियत और चीज है मगर जिसका नाम तरक्तर है यानी कर्ज अमल में यकसुई ना हो के क्या करूं कि मुझे कोई मौका मगर बस ये एक मौका अब हाल तो उसमें बयान हो चुका वो मौका कि जब आप कर लाए थे बच्चे को और अब बच्चा नहीं है एक लाश है सोचते हैं कि नमाज से जाके क्या अली अकबर के बाद रंजन नहीं हुआ क्योंकि लैला जानती थी कि जहां सब गए हो वापस नहीं है वहीं शबीर पैगंबर भी जा रहे हैं मारे ने कातिल से जाके क्या कहूंगा कि रंजन नहीं हुआ क्योंकि जानती थी कि आगे आ रहे हैं मगर वो मां जिसको मरा है आसमान ये उम्मीद हो कि पानी पी के आएगा अब मौला का तरजन है कि क्या जा के कहूं रवाज से तो कुछ तारीख इब्राहिमी और आले इब्राहिमी में इस अदब का भी बड़ा जख्म मालूम होता है कि वो एक मां थी जिसने बेटे की दक्षिण लेनी थी सात दफा सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाया था जो दूसरे हज हो गया और अब मुझे ये बाप नजर आ रहा है कि सात दफा देने की तरफ बहे जैसे ये राजा करके जब सब चला जाऊं खेने में और फिर मुझे उर्दू में लफ्जे नहीं मिलती हैं कि जैसे हिम्मत नहीं हुई फिर पीछे पड़ते भगवान तो है इन्ना लीला है वह इन्ना है राजमुसा हो रहे हैं मुख्तसर लफ्जों में इस मौके को कि मुझे तो यही तीन लफ्जें उर्दू में मिलती हैं कि सात दफा आगे गए और सात दफा पीछे आए और फिर आखिर में हिम्मत करके खेलने में